नमस्कार, खास खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खास खबर की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। नगर परिषद चुनाव के लिए आज थमेगा प्रचार। शाम 5 बजे के बाद थम जाएगा प्रचार प्रसार। घर घर जाकर वोट की अपील करेंगे प्रत्याशी। 19 जून को होना है मतदान। नगर परिषद चुनाव के लिए आज थमेगा प्रचार, बड़ी खबर। 46 शहरों में होना है चुनाव। नगर परिषद चुनाव के लिए आज थमेगा प्रचार। शाम 5 बजे के बाद थम जाएगा प्रचार प्रसार, बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। जहां पर नगर परिषद चुनाव के लिए चल रहा प्रत्याशियों का प्रचार आज शाम को 5 बजे के बाद थम जाएगा। कई दिनों से चल रहे प्रचार का शोरगुल बिल्कुल खत्म हो जाएगा। सभी प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में घर घर जाकर वोट की अपील करेंगे। आपको बता दें 19 जून को चुनाव होना है और 22 जून को नतीजे घोषित होंगे। आपको ये भी बता दें कि 46 शहरों में चुनाव होना है, जिसके तहत 18 नगर परिषद और 28 नगर पालिकाओं में चुनाव होंगे और 18,30,208 मतदाता वोट डालेंगे। नगर परिषद चुनाव के लिए आज प्रचार प्रसार थमने वाला है। सभी प्रत्याशियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और जनता पर भरोसा जताने का पूरा प्रयास यहां पर किया गया है कि जनता उन पर भरोसा जता ले। इसी मुद्दे पर आपको एक रिपोर्ट भी दिखा देते हैं। हरियाणा में निकाय चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। सभी प्रत्याशियों ने अपनी जीत के लिए पूरा जोर लगा दिया है। प्रत्याशी जनता के दरबार में जाकर हाजिरी लगा रहे हैं और अपने लिए वोट की अपील भी कर रहे हैं। जहां बीजेपी जेजेपी मिलकर ये चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं कांग्रेस सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ रही है। एनएलओ और आप भी इन चुनावों में अपना दमखम दिखा रही है। अब ये पार्टियां गठबंधन को कितना टक्कर दे पाएंगी, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। वहीं बीजेपी ने कल अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया, जिसमें उसने स्वच्छ सुंदर हरे भरे और आत्मनिर्भर प्रदेश का वादा किया है। ऐसा पहली बार है जब बीजेपी ने शहरी निकाय चुनाव के लिए संकल्प पत्र जारी करते हुए जनता से 27 बड़े वायदे किए हैं। बीजेपी ने वादा किया है कि बीजेपी का संकल्प पत्र, सभी क्षेत्रों में लगेगी एलईडी और सोलर लाइट्स, बच्चों के खेलने और लोगों के सैर के लिए पार्कों का नवीनीकरण, जहां जरूरत होगी वहां नए पार्क बनाए जाएंगे, शमशान घाट का नवीनीकरण किया जाएगा, शमशान घाट में की जाएगी पानी बैठने और रास्ते की व्यवस्था, स्ट्रीट वेंडर्स को लाइसेंस दिए जाएंगे, वेंडिंग जोन बनाया जाएगा, जहां कम्युनिटी सेंटर नहीं है वहां कम्युनिटी सेंटर बनाए जाएंगे, पुराने कम्युनिटी सेंटरों का नवीनीकरण किया जाएगा, कम्युनिटी सेंटर्स के नाम शहीदों और महापुरुषों के नाम पर होंगे, सड़कों का नवीनीकरण किया जाएगा, जहां जरूरत होगी वहां नई सड़कें बनाई जाएंगी, सभी क्षेत्रों में पानी की सप्लाई दी जाएगी, नए ट्यूबवेल लगाए जाएंगे और हर घर में नल से जल दिया जाएगा, नहरी पानी को स्टोर करके घरों में पानी पहुंचाया जाएगा, अमृत योजना के तहत सीवरेज लाइन डाली जाएगी, बरसाती पानी की निकासी के लिए काम किया जाएगा, अग्निशमन सेवाओं का सशक्तिकरण किया जाएगा, मोबाइल और कम्युनिटी टॉयलेट्स लगाए जाएंगे, सभी क्षेत्रों में नगर परिषद और नगर पालिका भवन बनाए जाएंगे, प्रदेश के सभी शहरों को आधुनिक लुक दिया जाएगा, सभी क्षेत्रों के शहरों और गांवों में प्रवेश द्वार लगाए जाएंगे, अवैध कॉलोनियों को नियमित किया जाएगा, गृह कर के कार्य को दुरुस्त किया जाएगा, लैंड पुलिंग पॉलिसी के आधार पर सेक्टर काटे जाएंगे, गौशालाओं का निर्माण किया जाएगा,
सार्वजनिक स्थानों पर वाटर कूलर की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। आपको बता दें कि निकाय चुनाव के लिए 19 जून को मतदान होगा, मतगणना 22 जून को होगी। 18 नगर परिषद और 28 नगर पालिकाओं के चुनाव होंगे। कुल मिलाकर 46 शहरों में नगर निकाय चुनाव होंगे। कुल 18,20,000 मतदाता भाग लेंगे, जिसमें 9,65,547 पुरुष और 8,64,612 महिला मतदाता है। अब इंतजार 22 जून का है कि कौन किस पर भारी पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर। तो ये रिपोर्ट आपने देखी और आपने समझा कि किस तरीके से कांटे की टक्कर यहां पर देखने को मिल रही है। सभी प्रत्याशी जनता तक जा करके उनका भरोसा जीतने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल आज प्रचार और प्रसार थमने वाला है। इसी मुद्दे पर आइए चर्चा करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं, उनसे आपको रूबरू करा देते हैं। सत्यव्रत शास्त्री हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी जुड़ गए हैं। वेद प्रकाश विद्रोही प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओंकार सिंह प्रवक्ता इनेलो हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हर खबर पर। सत्यव्रत शास्त्री जी, सबसे पहले मैं आपका रुख करूंगी। जिस तरीके से सभी प्रत्याशी यहां पर चुनावी मैदान में उतरे, उन्होंने जनता का भरोसा जीतने का प्रयास किया है, अपने वादों को जनता तक पहुंचाया है कि हम क्या कुछ कराएंगे, विकास कराएंगे, जैसे कि हमेशा वादे किए जाते हैं। अंतिम दिन है आज भरोसा जीतने का जनता, क्या कहेंगे? देखिए सृष्टि जी, चुनाव प्रचार आज शाम को 5 बजे बंद हो जाएगा। व्यापक जिस प्रकार का कार्यकर्ता है पॉलिटिकल, उसके समर्थन में छोटे बड़े सभी लोगों ने इस लोकतंत्र के उत्सव में भाग लिया है जी। और मैं ये कह सकता हूं कि अभी तक कोई अप्रिय घटना नहीं हुई, तो हरियाणा वासियों का ये भाईचारा का जो कहते आए हैं, बेसिक पार्टियां कई सिंबल पर हैं, लेकिन किस प्रकार का तलखी कहीं नहीं दिखाई दी है, और यही हमारे लोकतंत्र की मजबूती है। और आज का यदि पूरा अच्छे से, क्योंकि अब तक नहीं हुआ तो अब आगे की संभावना भी नहीं है, सब बहुत अच्छे से होगा। और इन सब में अच्छा इसलिए होगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने संकल्प पत्र के साथ, अपने टिकट के साथ, अपने नेताओं के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर इस लोकतंत्र के उत्सव में भरपूर आनंद उन्होंने लिया है। और जो पार्टियां सिंबल पर नहीं आ पाई उनको भी सोचना चाहिए, और इसको इस लोकतंत्र के जो उत्सव है उसकी मर्यादाओं का पालन करते हुए एक अच्छे लोग, पार्टी के अनुशासित लोग, सामाजिक लोग नीचे से आए, इसका ही एक प्रक्रिया है ये। और हम सब इस बात के लिए आश्वस्त हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सुशासन और सबका साथ सबका विकास एक अच्छी सोच, क्योंकि पहली बार निकाय चुनावों में सीधे चुनाव के जो है वो नगर पालिका और नगर परिषदों में अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है जी। जो खरीद फरोख्त और भ्रष्टाचार को जन्म देता था उसको समाप्त करने का काम हुआ है। और इतने बड़े व्यापक क्षेत्र से जब कोई आदमी चुनकर आता है तो वास्तव में वो निखर कर आता है, और इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी की एक अच्छी पहल जिसका सब लोग समर्थन कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि अच्छे लोग चुनकर आएंगे, क्योंकि एक व्यापक स्तर, कम से कम नगर परिषद माने तो आधा विधानसभा क्षेत्र आ जाता है, तो उसमें से इतने वोटर्स यदि किसी को चयन करते हैं तो उसकी चयन क्षमता पर प्रश्न चिन्ह कोई नहीं लगाएगा। इसलिए अच्छी बेहतरीन व्यवस्था के साथ सरकारी तंत्र भी और पॉलिटिकल लोग भी और कार्यकर्ता जनता भी इस सारे माहौल के अंदर अच्छे से काम कर रहे हैं, ये मुझे आज एक खुशी भी है। और आज ये त्योहार जो है हम समाप्ति की ओर लेकर जाएंगे, तो हम सबके लिए एक अच्छी और खुशी का समय है। बिल्कुल वेद प्रकाश जी, मैं आपका रुख करूंगी। कांग्रेस तो इस बार सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर समर्थन दिया जा रहा है, कोशिश की जा रही है। बीजेपी ने पहली बार निकाय चुनाव के लिए संकल्प पत्र जारी किया है, 27 वादे किए गए हैं संकल्प पत्र में, क्या कहेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है, उनको साधुवाद। भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र एक मुद्दा है, क्योंकि उन्होंने वही वादे किए हैं जो एक लोकतांत्रिक और चुनी हुई सरकार का संवैधानिक कर्तव्य होता है।
विगत 8 सालों में इनका राज होने के बावजूद ये अपने संवैधानिक कर्तव्यों को निभाने में असफल रहे हैं। नागरिकों को जो सुविधा का आधारभूत ढांचा, बिजली, सड़क, पानी देने में असमर्थ रहे हैं। शास्त्री जी और हम एक ही जोन से संबंध रखते हैं जी, ये भी अहिरवाल से हैं जी, मैं भी अहिरवाल से हूँ जी। जब हम इस क्षेत्र में हम शहरों में पीने का पानी नहीं दे पा रहे तो आप सहज अनुमान लगा लें कि इनके अन्य वादों का क्या महत्व होगा। मेरे शहर में रेवाड़ी में और पूरे दक्षिणी हरियाणा की जितनी भी कस्बे और शहर हैं, हर महीने पानी की राशनिंग होती है, पीने का पानी तो हर बार जुमला उछालते हैं कि हम कांग्रेस राज की तुलना में ज्यादा पानी दे रहे हैं। बड़े बड़े वादे करना, बड़े बड़े दावे करना हमारे भाजपा के भाइयों का एक शुगल है, वो जरूर निभाएं। और जहां तक आपने कहा कि कांग्रेस सिंबल पर चुनाव लड़ रही, तो कांग्रेस ने तो 55 साल हरियाणा के राजनीतिक इतिहास में कभी सिंबल पर चुनाव लड़ा ही नहीं। 2020 में जरूर दो नगर निगमों और एक रेवाड़ी नगर परिषद में चुनाव लड़ा था, जिसमें हम सोनीपत नगर निगम जीते, रेवाड़ी नगर निगम भाजपा जीती और अंबाला नगर निगम एक निर्दलीय उम्मीदवार जीते। तो अगर आप उस तरह भी देखें तो हम भाजपा हावी ही पड़े थे। अब की बार भी मुझे पूर्ण विश्वास है कि हरियाणा की जनता भाजपा को उसकी सही दिशा बता देगी। और जितने नगर परिषदों के चुनाव और नगर पालिकाओं के चुनाव हो रहे हैं उनमें जगह की हार होगी, ये हम पर तो तंज कसते हैं जी, कि हम अपने चुनाव चिन्ह पर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं जी। शास्त्री जी नारनौल के हैं जी, नारनौल में इन्हीं की नगर परिषद की चेयरमैन हुआ करती थी, आजकल वो निर्दलीय चुनाव लड़ रही है जी। आप भाजपा चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ रहे हैं और भाजपा कह रहे हैं कि अगर हम दोबारा अब सत्ता में आए भ्रष्टाचार की जांच कराएंगे। अरे भाई, किसके भ्रष्टाचार की जांच कराओगे? तुम्हारा ही राज था, तुम ही भ्रष्टाचारी थे और अब अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए भ्रष्टाचार के जांच का जुमला उछाल रहे हो। बावल के अंदर भी ये सिंबल पर लड़ रहे हैं, वहां भी जो इनके गठबंधन सहयोगी है जजपा, वो इनके खिलाफ निर्दलीय लड़ रहे हैं, वहां भी इनकी यही हालत है। नारनौल में भी, महेंद्रगढ़ में भी इनकी यही हालत है। हम इन तीन क्षेत्रों के चुनावों का नतीजा देख लेना, मेरा आकलन यह है कि तीनों में एक भी जगह भाजपा को सफलता नहीं मिलने वाली जी। अब मैं तो ये दावा नहीं कर सकता जी, कि जी। हम जीतेंगे क्योंकि जी। हम तो चुनाव चिन्ह पर लड़ नहीं रहे जी। और मैं आतल की वास्तविकता बता रहा हूं कि मेरी आकलन के अनुसार 40 क्षेत्रों में मुश्किल से भाजपा 10 से 5 बढ़ जाएगी और हर जगह भाजपा को पूरी तरह से हार का सामना करना पड़ेगा। और चुने हुए उम्मीदवारों को ये अपना बता देंगे क्योंकि इसमें दल बदल का कानून लागू होता नहीं जी। जी, सत्ता बल पर जैसे 2020 में इन्होंने चुने हुए उम्मीदवार चेयरमैन को अपना शामिल कर लिया था, उसी तरह ये खेल तो ये कर लेंगे पर जनता इनको रिजेक्ट करेगी, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। और ये सत्य है कि हरियाणा में जो नगर पालिका का चुनाव हो रहा है वो शांतिपूर्ण हो रहा है। अगर आप हरियाणा के विभिन्न चुनावों का विगत 20 साल से इतिहास देखो तो हरियाणा में शांतिपूर्ण ही चुनाव हो रहे हैं। ठीक है, तो ये शास्त्री जी का ये कहना कि भाई अब की बार शांतिपूर्ण हो गया, ये केवल अतिशयोक्तिपूर्ण दावा है। ठीक है, पर मैं उनको इस बात के लिए मुबारकबाद दे दूंगा जी, जी। कि चलो आपका शासन है और शांतिपूर्ण चुनाव आप निमटवा रहे हो जी, इसके लिए आपको बधाई। बिल्कुल सत्यव्रत जी, आपने सुना वेद प्रकाश जी की बातों को, आरोप भी आपके ऊपर लगाए गए हैं, आपसे मैं जवाब लूंगी लेकिन उससे पहले मैं ओंकार सिंह जी आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से आपको बताए कि अंतिम दिन है आज और पूरी कोशिश की गई कि जनता भरोसा जताए
और जो वादे किए गए हैं, जो बातें कही गई हैं, उस पर यहाँ पर भरोसा जताया जाए, लेकिन जनता जागरूक हो चुकी है और यहाँ पर विकास चाहिए जनता को, जनता को चाहिए बदलाव, क्या कहेंगे? देखिए, पिछले 8 वर्ष से बीजेपी की सरकार है देश और प्रदेश में। ये मेरे को बहुत हैरानी हुई कि मेरे साथी अभी वायदे बता रहे थे कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। अरे भाई, 8 साल से तुम्हारी सरकार है, अब तक कौन सा किया, क्या काम किया आपने? जी जी, आप विकास और भ्रष्टाचार की बात करते हो। भ्रष्टाचार इस वक्त चरम के ऊपर है और विकास नाम की चीज को आप देख लीजिए, किसी भी नगर पालिका, नगर निकाय, नगर निगम में किसी ने भी देख लीजिए, समस्याओं के अंबार है। परिवार पहचान पत्र ले लीजिए, प्रॉपर्टी आईडी ले लीजिए, टैक्स व्यवस्था ले लीजिए, एनडीसी ले लीजिए, और तो रूटीन वर्क, अगर पानी भी, पानी का बिल जमा करवाने की व्यवस्था वो भी देख लीजिए इनकी। इन्होंने ऑनलाइन करने के नाम पर जनता को गुमराह करके रख दिया है। ऑनलाइन ऐसा किया है, कहने को तो ऑनलाइन है, लेकिन जब किसी भी विभाग में जाते हैं तो पता लगता है कि सर्वर डाउन है। ये जनता को बेवकूफ बनाने की सरकार है। और मैं बताना चाहता हूँ, पिछले 8 साल से इन्होंने क्या काम किए, उन कामों के आधार पर इनको वोट मांगनी चाहिए। और बड़े शर्म की बात है, अब ये वायदे कर रहे हैं हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। अरे भाई, आप तो सत्ता में हो, अगर आपने अभी तक नहीं की, 8 साल में नहीं की, तो आप क्या करोगे? और दूसरा मैं बताना चाहूंगा, बीजेपी एक ऐसी सरकार है जिसने देश को प्रयोगशाला बना के रख दिया है और जनता को प्रयोग की वस्तु। आप देखिए, नोटबंदी के टाइम में इन्होंने जनता पर प्रयोग किया, फिर जीएसटी पे प्रयोग किया, कुछ वक्त असामयिक लॉकडाउन, अभी लॉकडाउन का टाइम नहीं था, जनता को घरों में बंद कर दिया, जिसका नुकसान आज भी हम भुगत रहे हैं। उसके बाद 3 कृषि बिल लाए, जनता पे एक नया प्रयोग, किसानों पर प्रयोग, फिर बाद में मोदी जी आके माफी भी मांगते हैं, अब एक नया प्रयोग लेके आ गए सुरक्षात्मक नाम के, देश को एक नई पॉलिसी देने जा रहे हैं। 22 साल का युवा रिटायर हो जाएगा और 71 साल का आदमी प्रधानमंत्री बनेगा, ये इनकी पॉलिसी है। ठीक है, ओंकार जी, निकाय चुनाव पर ही बात कर लेते हैं। बिल्कुल जी, फौज की नौकरी करने की बात कर रहे हैं। जी जी, आप देखिए, ये जो स्थानीय चुनाव है, ये सिर्फ और सिर्फ स्थानीय मुद्दों पर लड़े जाएंगे। आप प्रत्येक नगर पालिका, नगर परिषद में जी अगर जी। आप सिर्फ आधार कार्ड ठीक करवाने के लिए चले जाओ, आपको 1 किलोमीटर लंबी लाइन मिलती है, और आधार कार्ड ठीक करवाने में ठीक है ओंकार जी, व्यवस्था बिल्कुल जवाब भी नहीं लेते ओंकार जी, के पास का नहीं है जी। ओंकार जी, जवाब ले लेते हैं। अड्डे खोल दिए इन्होंने, इसका धमकाया, आप चुनाव प्रचार बंद है, जनता इनको दिखा देगी, आईना दिखाएगी इस चुनाव में जनता इनको। ठीक है सदर शास्त्री जी, आपने सुना किस तरीके से आप पर आरोप लगे, सवाल किए गए हैं, जवाब भी दे दीजिए। देखिए, वेद प्रकाश विद्रोही जी जो कह रहे थे कि भाई शांतिपूर्ण चुनाव पहली बार हो रहे, मैंने नहीं कहा कि पहली बार हो रहे, हरियाणा इसके लिए जाना जाता है, मैं क्योंकि घटना कभी भी घट सकती है, ये भी एक प्रक्रिया थी। बिल्कुल, इस बार भी अच्छा हो रहा है, पहले भी अच्छा हुआ है, इस बार भी अच्छा हो रहा है, लेकिन हमें महम के चुनाव को भी याद करना चाहिए, वो भी प्रवक्ता यहाँ बैठे है ना, तो विद्रोही जी के लिए नहीं कह रहा था, मैं ओंकार सिंह जी के लिए कह रहा था कि महम का चुनाव हमारे लिए एक बहुत बड़ी घटना थी जी, इसलिए मैं आज जो चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हो रहा है उसके लिए मैं बधाई की बात कर रहा था। और यही बात जैसा विद्रोही जी कह रहे हैं कि भाई दक्षिण अहिरवाल में क्या होगा, मैं कहता हूँ अहिरवाल में बावल, नांगल चौधरी, नारनौल और महेंद्रगढ़ और सोना, ये विधान नगर पालिका और नगर परिषद हो, इसमें एक भी ऐसी नगर पालिका और नगर परिषद नहीं है जहां भाजपा नहीं आती। दूसरी बात मैं क्यों कह रहा हूं, उसका लॉजिक बता रहा हूं वेद प्रकाश, कि इन लोग कहीं है नहीं, जजपा हमारे साथ है, कांग्रेस चुनाव में सिंबल पर नहीं है, आम आदमी पार्टी के लोग तवज्जो नहीं दे रहे, तो जीतेगा कौन? स्वाभाविक बात है, मैं इसको बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं मानता, क्योंकि हम ही हम मैदान में, यदि सब लोग मैदान में होते तो हम अच्छे से जीतते, तो और क्योंकि जब पहलवान को कुश्ती में पसीना आता है तभी बाकी दर्शकों को भी आनंद आता है, लेकिन जब पहलवान को पसीना ही नहीं आए, मिट्टी नहीं लगे, तो मजा कम आता है। इसलिए यदि कांग्रेस सिंबल पर आती और इन लोग थोड़ी मजबूत होती और आम आदमी हरियाणा के हितों को लेकर चिंतित, तो मुझे लगता है निश्चित रूप से दंगल
आप कुछ किसकी मानते मजबूत होता और कुछ कसरत करनी पड़ती। अब तो मैदान में सृष्टि जी हम ही हम है, इसलिए जीतेंगे भी हम और हारेंगे भी हम, क्योंकि दूसरा तो कोई है नहीं। लेकिन जिस तरीके से पंजाब में सतव्रत जी, जिस तरीके से पंजाब में तस्वीर बदली, तो क्या लगता है आप पार्टी हरियाणा में मजबूत हो पाएगी? सृष्टि जी, आम आदमी पार्टी की बात मैं फिर आपके चैनल पर दोहरा देता हूँ जी, हर चैनल पर एक बात कह रहा हूँ, देश के खिलाफ काम करने वाला देशद्रोही जी, और राज्य के खिलाफ काम करने वाला राजद्रोही जी। जो केजरीवाल आम आदमी पार्टी का मुखिया पंजाब में जाकर एक वादा करता है कि हरियाणा के लोगों को बूंद पानी नहीं दूंगा, चंडीगढ़ पर हक हमारा है, तो वो लोग आम आदमी पार्टी के माध्यम से जो राजनीति करने में आए हैं हरियाणा में, वो राजद्रोही की संज्ञा पा रहे। लोग उनकी टोपी देख रहे हैं, क्योंकि चुनाव में माहौल खराब ना हो, क्योंकि भाईचारा और ये सब व्यवस्था ठीक है, लेकिन एक गारंटी के साथ, वेद प्रकाश जी बहुत ध्यान से सुन रहे इसलिए बता रहा हूं, एक दिन भी आम आदमी पार्टी का 21 तारीख को नहीं 20 तारीख को ही सरपट टोपी नहीं मिलेगी, और मंदिरों में प्रार्थना करते मिलेंगे कि भगवान मैंने अपने राज्य के खिलाफ काम करने वाले व्यक्ति को मैंने पार्टी का समर्थन दिया, मेरी भूल हुई, मुझे माफ कीजिए। इसलिए उसका कोई जनाधार इसलिए नहीं है क्यों राजनीतिक पार्टी भी है, इसलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने हरियाणा के साथ धोखा किया, और हरियाणा के साथ धोखा करने वाली कोई पार्टी का सवाल है मेरा हरियाणा में जी। सतव्रत जी, होडल नगर परिषद की अगर हम बात करें, तो जब हम ग्राउंड जीरो पर गए, हमने जनता से राय ली, बहुत निराश थी जनता, और उन्होंने कहा कि कई सालों से सिर्फ और सिर्फ वादे होते हैं, भ्रष्टाचार का मुद्दा यहाँ पर गरमाया हुआ है, और लोगों ने कहा कि भ्रष्टाचार हुआ है, किसी भी तरीके का विकास नहीं हुआ है, अतिक्रमण होता चला जा रहा है, जब अधिकारियों के पास आते हैं कोई सुनता नहीं है, बहुत ज्यादा निराश है जनता, इसको लेकर क्या कहेंगे, उस निराशा को दूर कर पाएंगे आप? देखिए सृष्टि जी, मैं एक तो इसकी प्रक्रिया गत दोष मानता हूँ, और इस बार प्रक्रिया दोष दूर हो रहा है जी। पहले चंद लोगों के गठजोड़ से चेयरमैन बनता था और ब्लैकमेलिंग एक दूसरे को लोग करते थे, क्योंकि स्वाभाविक चीज है ये जी। लेकिन अब जो चुनाव हो रहा है, इसमें सीधा चुनाव हो रहा है जी। और नगर परिषद नगर पालिका का प्रधान जो है स्वयंभू मजबूत होकर, और वो छटकर भी आएगा, इसलिए जो भूल हमारी प्रक्रियागत पिछले चुनावों के कारण से होती थी, चुनाव सुधार की इस प्रक्रिया के बाद वो चीजें ठीक होने की संभावना पूरी पूरी लगती है। दूसरी बात, भ्रष्टाचार मानव जनित चीज है, उस पर कार्रवाई भी मानव जनित है, कार्रवाई ना हो रही हो तो मैं मानता हूं कि प्रशासन में दोष है, भ्रष्टाचारियों को ढूंढने का काम सरकारी तंत्र ने किया है, मुख्यमंत्री की विजिलेंस टीम ने किया है, मुख्यमंत्री के उड़न दस्तों ने किया है, जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं और जो जो दिखाई देता है वो अग्रसर होकर उनको छापामारी से पकड़ रहे हैं, कहीं भी किसी भी स्तर के ऊपर पॉलिटिकल लोगों ने भ्रष्टाचार को उजागर नहीं किया, और वो उजागर के पीछे लगे भी हैं तो उनकी पहले से भ्रष्टाचार को उजागर करने का काम शासन तंत्र ने किया है, और शासन तंत्र के निकलने के बाद वो आवाज उठी है। इसलिए मैं मानता हूं कि पॉलिटिकल अवेयरनेस से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की सरकार का सरकारी तंत्र मजबूत है, जो अग्रसर होकर इन भ्रष्टाचार के तंत्रों के ऊपर और जो गठजोड़ है उसके ऊपर छापामारी करके कार्रवाई करता है, ठीक है। इसलिए जो कुछ हो रहा था, अब कुछ और अच्छा होने की आगे लिए हम बढ़ रहे हैं, निश्चित रूप से निराशा की बात नहीं, आगे बढ़कर हताशा और निराशा को दूर करके और उत्साह उल्लास का वातावरण अब बने, ठीक है। ओंकार जी, मैं आपका रुख करूंगी, साफ तौर पर सतव्रत शास्त्री जी ने कह दिया है कि मैदान में सिर्फ वही है। छोटी सी टिप्पणी कर दूं? बिल्कुल, मैं आपके पास आऊंगी ओंकार जी। जी मैदान में सतव्रत शास्त्री, ओंकार जी मेरा सवाल यह है कि सतव्रत शास्त्री जी ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि मैदान में सिर्फ वही है, उनकी टक्कर, उन्हें टक्कर देने के लिए कोई नहीं है। कोई ऐसा ये नहीं बोल रहे, इनका घमंड बोल रहा है जी। आपको याद होगा रावण भी यही बोलता था, और वो रावण को जनता ने भूख दिया, इनके भूखने का टाइम आ चुका है, ये खुद नहीं बोल रहे हैं। जनता का तो घमंड है, प्रकाश का है उसकी, ये वो बोल रहे हैं, इनको कुछ नजर नहीं आ रहा। आप जनता प्रत्येक कार्य के लिए परेशान है, कभी मेरे भाई नगर परिषद तहसील जाके तो देखो कैसे जेब खाली होती है, कोई आपकी दृष्टि लेने देने के लिए जाइए,
रजिस्ट्री को इन्होंने ऐसे बना दिया जैसे टोप का लाइसेंस लेना हो, रजिस्ट्री करवाने के लिए 3 महीने लगते हैं। जाइए किसी सरकारी विभाग में, देखिए किसी नगर परिषद को, नगर पालिका को, किसी तहसील SDO को, PCO को, DRO को जाके तो देखिए क्या है आलम, आपको पता लग जाएगा कैसी व्यवस्था आपकी सरकार की। भ्रष्टाचार के बगैर कोई काम होता नहीं है। एक सिंपल सा काम, लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनाना हो तो जरा जाके देखिए कैसे बन रहा ड्राइविंग लाइसेंस, आपको पता लग जाएगा आपकी सरकार कितने पानी की है। अरे काम में भ्रष्टाचार, ऐसा भ्रष्टाचार हमने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। आप शास्त्री जी किसी स्थानीय निकाय विभाग में अपनी म्यूटेशन करवाने चले जाइए अपनी जमीन की, आपको तारे नजर आ जाएंगे दिन में। वो ऐसे ऐसे साथ में नीतियां बना दी इन्होंने, ऐसे ऐसे कागज मांगे थे आपसे, जबकि म्यूटेशन सिर्फ और सिर्फ टैक्स कलेक्शन के पर्पज से होता है। आप जाइए तो सही किसी स्थानीय विभाग में देखिए, आपको कुछ नहीं नजर आ रहा, आपको सिर्फ ये नजर आ रहा बीजेपी है, बीजेपी है। हाँ बीजेपी अपने आप में रह जाएगी, जनता में नहीं रहेगी। आप चुनाव आज लास्ट दिन है प्रचार का, चिंता ना कीजिए, 4 दिन और इंतजार कीजिए, दूध का दूध पानी का पानी आपके सामने आएगा। ठीक है, बिल्कुल सत्यव्रत जी, मैं आपसे जवाब लूंगी जिस तरीके से ओंकार जी ने सवाल किए हैं। वेद प्रकाश जी, मैं आपके पास भी आऊंगी, चर्चा अभी लगातार इसी तरीके से जारी रहेगी। हम चर्चा कर रहे हैं निकाय चुनाव के दंगल को लेकर के, और सभी प्रत्याशियों ने यहाँ पर पूरी ताकत झोंक दी है कि जनता उन पर भरोसा जताए। और जिस तरीके से बीजेपी के द्वारा संकल्प पत्र भी जारी कर दिया गया, इस संकल्प पत्र में 27 वादे किए गए कि पूरी तरीके से बदलाव होगा, लेकिन जनता यहाँ पर जागरूक है, जनता किस पर भरोसा जताएगी ये तो 22 तारीख को ही साफ होगा। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं एक बार फिर से। सत्यव्रत शास्त्री जी हमारे साथ हैं, वेद प्रकाश विद्रोही जी, ओमकार सिंह आप हमारे साथ जुड़े हैं। सत्यव्रत शास्त्री जी मैं आपके पास आऊंगी, जिस तरीके से ओमकार सिंह जी को आपने सुना था, उन्होंने सवाल किए थे आपसे, जवाब क्या देंगे आप? सत्यव्रत जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो जी, अब आपकी आवाज आ रही है। हाँ जी, हाँ जी, तो एक प्रक्रियागत देरी होती है, और जब कोई भी एक काम नया शुरू होता है तो अचानक सब लोग उसमें से निकलना होता है जी। तो स्वाभाविक है कि 19-20 दिन तक उसके अंदर आपाधापी होती है, लेकिन उसके बावजूद भी ऑनलाइन सिस्टम को यदि अपनाते हैं, कुछ ऑफलाइन कुछ ऑनलाइन, तो सब प्रकार की प्रक्रिया रहती है, लेकिन वो इसी बात को लेकर चलते हैं कि ऐसा नहीं हुआ वैसा नहीं हुआ। देखिए, कोई भी जब समाज आगे बढ़ता है, नई टेक्नोलॉजी आती है, नई आवश्यकताएं बढ़ती हैं, तो उसके लिए नए नए प्रयोग होते ही हैं, ये प्रयोग की सलामी है। समय समय पर आज जिस सुंदर पगड़ी को आप बांध रहे हैं, इतना सुंदर रंग है, ओंकार जी से पूछो क्या आपके दादा परदादा भी ऐसा रंग पड़ा, उस समय फिनिशिंग नहीं आती थी, उस समय और अलग प्रकार का काम होता था, आज अलग प्रकार का। तो हम उन्हीं पुरानी चीजों को लेकर बैठे रहेंगे, उचित तौर पर चलते रहेंगे, तो कोई देश और समाज आगे नहीं बढ़ता। उस आगे बढ़ने के लिए कुछ चीजें नई होती हैं, और जब नई चीज होती है तो उसके अंदर थोड़ा समय लगता है। दूसरी बात, भ्रष्टाचार के लिए बात करें कि जेब खाली हो जाएगी, मैं पूछना चाहता हूँ ओंकार सिंह जी से, और अनेक बार आज आपके चैनल पे नहीं, अनेक बार कहा आपने किसको जो है आपने रिश्वत दी और किसने आपसे रिश्वत मांगी, इन दोनों बातों पर आज तक ओंकार सिंह जी का कुछ जवाब नहीं आता। ये सब उसको गोल गोल घुमाकर उस बात को केवल टीवी चैनल्स पर बोलने के लिए बोलते, जब इनको पूछा जाए कि यार आप ओ मेयर नहीं तो पीछे से बताओ किस अधिकारी ने किस से किस समय किसको मांगा, जिससे उसके ऊपर निराकरण किया जा सकता। तो इस सरकार के सिस्टम में से तो निकल कर नहीं आए लोग, ये तो भर्तियां होती हैं, और जो आज 20-30 साल पहले हुआ था तो कोई और सरकार थी, आज हो रहे हैं तो आज कोई और होगा। तो ये जो मानवीय भूल है, मानवीय दोष है, इसको सुधार की आवश्यकता होती है। और जब तक प्रशासन का डंडा भी होता, और डंडा जब होता है जब उसका पता चलता है, आप यदि भ्रष्टाचार के शिकार हुए हैं या हो रहे हैं तो आपको निश्चित रूप से बोलना चाहिए, बताना चाहिए, नहीं तो मैं मान पर चलता हूँ कि आप भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। इसलिए भ्रष्टाचार के आरोप जो है अनर्गल है, इसमें कोई दम वाली बात नहीं है,
भारतीय जनता पार्टी का जो शासन में जो काम हुई है उन कामों के अंदर गुणवत्ता का हम मैं दावा करता हूँ। जो रोड बने, सीवरेज बन गली, लाइटिंग का काम हुआ, कोई भी उठाई उसमें गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं। और जब गुणवत्ता से समझौता नहीं होता तो भ्रष्टाचार वहां नहीं होता। गुणवत्ता से समझौता होगा तो ही भ्रष्टाचार होगा। ठेकेदार या बाकी सब लोग पैसा तभी निकालते जिन गुणवत्ता से समझौता करना होता है। इसीलिए ये सब केवल पॉलिटिकल एक बयान के नाते आप मानिए, बाकी पब्लिकली सब लोगों के अंदर अच्छा मैसेज है। सब लोग अच्छा चाह रहे हैं, अच्छा हो भी रहा है। और दिन प्रतिदिन देश की आर्थिक स्थिति, सामाजिक ताना बाना, चंद लोगों की घटनाओं को छोड़कर ये सब आगे बढ़ रहा है। निश्चित रूप से देश, क्योंकि बहुत लंबे समय के बाद एक नई प्रक्रिया में शासन तंत्र पार्टी के द्वारा आ रहा है, तो जो पहले से किसी से आ रही थी उनमें से जो आदत बन गई थी उसमें से कुछ बदलाव हो रहा है। तो स्वाभाविक रूप से जो घिसे पट के लोग उसी धरने पर चलना चाहते उनको थोड़ी तकलीफ होती है, लेकिन समय के साथ बहुत लोग, जब कंप्यूटर नया आया तो भी लोग स्कूलों में, बैंकों में, ऑफिस में, सब लोगों ने लाचारी बरती, लेकिन बड़ी बड़ी उम्र के लोगों ने भी सबको सीखा और आज बेहतर काम हो रहा है। नई चीज आती है तो वो थोड़े दिन परेशानी होती है लेकिन लंबे समय के लिए नहीं होती। ठीक है वेद प्रकाश जी, मैं आपका रुख करूंगी। अगर हम बात करते हैं आम आदमी पार्टी की, तो जिस तरीके से पंजाब में तस्वीर बदली और जो नतीजे आए वो चौंकाने वाले थे, तो क्या लगता है आपको हरियाणा में आम आदमी पार्टी यहाँ पर जगह बना पाएगी या तस्वीर यहाँ पर बदलती हुई नजर आएगी? वेद प्रकाश जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? लगता है आवाज नहीं जा रही है। ओमकार जी, मैं आपका रुख करूंगी। जिस तरीके से हम लगातार यहाँ पर देख रहे हैं कि जनता भी बदलाव चाहती है, क्योंकि साफ तौर पर यही लोगों का यही कहना होता है कि पिछले सालों में हमने देखा विकास के नाम पर कोई काम नहीं किया गया, हर बार वही वादे किए जाते हैं और जब चुनाव खत्म हो जाता है तो जनता को पूछने के लिए कोई नहीं आता है। तो कैसे इस बार आप जनता का भरोसा जीतने का प्रयास कर रहे हैं? जी, मैं आपकी एक बात से बिल्कुल संतुष्ट हूँ कि जनता बदलाव चाहती है। ये भ्रष्टाचार और घमंड में डूबी सरकार से, ये कहते हैं भ्रष्टाचार है ही नहीं, अरे कितने घोटाले हो गए, कितनी जांच होगी, शराब घोटाला, SIT बनी थी, अनिल विज ने बोला था SIT बना के जांच करके दोषियों को सजा दी जाएगी, आज तक उस SIT की रिपोर्ट नहीं आई। जनता आज बदलाव चाहती है, मैं मानता हूँ, लेकिन बदलाव के लिए एक ही एक पार्टी है इनेलो, जिसने हमेशा ही हरियाणा की जनता के हित में कार्य किए। आपको याद होगा पहली बार पेंशन किसने लगाई? चौधरी देवीलाल जी ने। और उन्होंने जब पेंशन लगाई कोई आमदन का क्रिटेरिया नहीं रखा। ये ऐसी भ्रष्टाचार में डूबी सरकार है, इन्होंने प्रॉपर्टी परिवार पहचान पत्र बना के उसमें लोगों ने जो आमदन दिखा दी उसको क्रिटेरिया मानकर 2.5 लाख से अधिक लोगों की बुढ़ापा पेंशन बंद कर दी। ये लोग देने वाले नहीं है, ये तो जेब काटने वाले हैं। आप इनका कोई भी कार्य ले लीजिए, अब फौज में भर्ती ले लीजिए, 4 साल की कर रहे हैं, क्या करेगा व्यक्ति 4 साल में? 18 साल का भर्ती होगा, 19 साल तक ट्रेनिंग लेगा, 21 साल 22 साल में रिटायर होकर घर पे आ जाएगा। इनकी जो नियत है, ये व्यापारी है, व्यापारी, ये देश नहीं चला रहे, ये एक धंधा कर रहे हैं, व्यापार चला रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे लोग। सत्यव्रत शास्त्री जी, मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से हम लगातार देख रहे हैं कि सभी प्रत्याशियों ने यहाँ पर पूरी तरीके से ताकत झोंक दी है, सभी जनता का भरोसा जीतने का भी प्रयास कर रहे हैं, आपकी तरफ से जो संकल्प पत्र जारी किया गया उसमें भी वादे किए गए, अगर उन वादों पर खरा उतरा गया तो यहाँ पर विकास जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन इससे पहले जो जनता के से वादे किए गए थे, जो जनता चाहती थी, जिन
पर हक था जनता का, वो चीजें पूरी क्यों नहीं हुई? नहीं, ये आपके ममता और आपकी बात सुनकर मैं इंसाफ नहीं रखता जी। आपने अपने सेल में तीन बार ये बात को दोहराया है कि जनता बदलाव चाहती है। ये बदलाव जनता बदलाव नहीं चाहती, सिस्टम में बदलाव चाहती है। बिल्कुल, सिस्टम में बदलाव चाहती है। आप सुनिए, सुनिए, मैंने आपको तीन बार सुना जी। और तीसरी बार बोलने के बाद मैं टोक रहा हूँ जी। कहीं बदलाव की बात नहीं आ रही। बदलाव तो जब आएगा जो आपको मैदान में होगा। मैंने कहा कांग्रेस सिंबल पर नहीं है जी। इन लोग का पिछला वोट प्रतिशत पूरे हरियाणा में 1.5% था। दूसरी आम आदमी पार्टी का मैंने हाल बता दिया जी। और अब जो मैदान में है तो जनता और भाजपा, और दूसरे यदि कहीं एक दो निर्दलीय है तो वो है। कोई पार्टी सामने नहीं है, और पार्टी सामने नहीं है तो बदलाव की कोई बात नहीं आती जी। बदलाव जब आपकी बात आती है, जब एक संस्था के पार्टी ने कोई सिंबल दिया हो, कोई एक सिंपल दिया हो, कोई वचन दिए हो, कोई प्रक्रियागत सुधार की बात की हो, तो किसका संकल्प पत्र है, किसका घोषणा पत्र है, किसने किस प्रकार के वादे किए? आप कैसे कह रहे हैं कि बदलाव चाह रहे? बदलाव यदि भावनाओं के ऊपर होता है तो किसी के द्वारा किए गए घोषणा तो बदल मन करेगा ना। अरे भाई, उन्होंने तो ये कहा, आपने कहा, तो उन्होंने ये कहा इसलिए हम उनको चेंज करेंगे। तो जब दूसरी पार्टी का कोई विजन और सिस्टम आया ही नहीं है, कोई संकल्प पत्र या विकल्प पत्र या कोई चुनावी घोषणा पत्र आया ही नहीं है, तो वो आपको बदलाव कहां से नजर आएगा? इसलिए ये आपकी बात से किसी को प्रचार मानिए मैं खारिज करता हूं। और इस बात के लिए कि सत्ता पक्ष के जो गठबंधन है वही मैदान में है, बाकी कई एक दो निर्दलीय पार्टी है तो वो किसी पार्टी के साथ नहीं है। और पार्टी के साथ होते तो किसी पार्टी ने अपना संकल्प पत्र दो हो, घोषणा पत्र दिया हो, जिससे लोग उसकी घोषणाओं को और उनकी कार्यशैली को देखकर बदलाव कर रहे। कैसे कह रहे हैं आप बदलाव चाह रही है जनता? देखिए सत्यव्रत जी, ग्राउंड जीरो पर हम भी गए, हमने भी जनता से राय ली। जीरो पर आप नहीं के मैं रहता हूँ, आप तो कहीं कहीं जाते होंगे, आप रिपोर्ट कहीं कहीं जाते होंगे, लेकिन हम जाते तो हैं, बिल्कुल जाते हैं सतव्रत जी, बिल्कुल जाते हैं। और बात भी जनता यहाँ पर सवाल भी उठाती है। खैर कोई नहीं, 22 जून 22 तारीख को पता चलेगा जी। मैं दे रहा हूँ जी, मैंने दिया आपका आपका सम्मान करने। बिल्कुल बिल्कुल, तीन बार आपके बहस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं। कोई बात नहीं सतव्रत जी, 22 तारीख को स्थिति साफ हो जाएगी, तस्वीर साफ हो जाएगी, पता चल जाएगा कि किस पर। यदि 22 को करते तो पता चल जाएगा। बिल्कुल रखेंगे, बिल्कुल नतीजे आने के बाद भी रखेंगे। सतव्रत जी, नतीजे आने के बाद भी रखेंगे। और समय से पहले डिबेट करते हैं जी, उसके मुद्दे कुछ और होते हैं जी। और चुनाव का जब परिणाम आ जाता है तो उसके मुद्दे कुछ और होते हैं जी। सतव्रत जी, आप जब आप वर्तमान में हम डिबेट कर रहे हैं जी, तो उस चीज के ऊपर लेकर आना चाहिए। यदि हमें 22 का इंतजार करना तो हम डिबेट क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल सतव्रत जी, जिस तरीके से आपने जो संकल्प पत्र जारी किया है उस पर अगर हम बात करें तो वो वादे पूरे किए जाएंगे निश्चित रूप से। मैंने कहा कि ये ऐसे कोई चुनावी वादा नहीं है जिसको पूरा नहीं किया जाए, या अतिशयोक्ति में है या हो नहीं सकता। तीनों कसौटी पर यदि देखेंगे कि इन सब चीजों की मानवीय विकास और मानवीय संरचना के आधार पर जो आवश्यकता पड़ती है, तो इन सब चीजों की आवश्यकता होती है और ये साल दर साल बढ़ती है, और साल दर साल आवश्यकता बढ़ती है तो काम भी बढ़ता है। और यदि मैं ओमकार जी की बात को लेकर चलूं तो कल मैं विजेंद्र रेणु जी के साथ था एक चैनल पर, मैंने कहा, उन्होंने कहा कि 8 साल पहले हम थे, मैंने कहा आप 17 साल पहले थे, 10 साल पहले कांग्रेस थी। यदि काम 17 साल पहले पूरा हो गया तो कांग्रेस ने क्या किया, और कांग्रेस ने 10 साल पूरा कर दिया तो हमें क्या जरूरत थी? लेकिन ये सब काम निरंतर चलने वाली चीजें, जनसंख्या बढ़ती है, आवश्यकताएं बढ़ती है, तब तो काम बढ़ते हैं। लेकिन एक चीज ऐसी होती है कि आज आवश्यकता है वो वर्षों बाद मिल रही है, एक ऐसी चीज है कि आज आवश्यकता है आज मिल रही है, और एक ऐसी अवस्था होती है कि आवश्यकता कल है हमारे पास आज तैयार है। आज हम इस पोजीशन में है कि जो आज चाहिए वो आज हमारे पास है, लेकिन हम स्ट्रक्चर को सिस्टम को वहां लेकर जाने चाहते हैं कि आपको जरूरत कल पड़ेगी तो आपको जी के सामने कि कल चीज की जरूरत है तो आज हमारे पास वो सामने दिखाई देगी। देश कुछ विकसित देशों की श्रेणी में आएगा। आज हम इस लेवल पर है कि जो हमें जरूरत है वो चीजें हमें मिल रही है, कोई अभाव में, कोई उदासी में, कोई निराशा में नहीं जी रहा, जिसको जिस समय जो सुविधाएं चाहिए वो मिल रही है, इसलिए हम ठीक चल रहे हैं। लेकिन आगे चलने के लिए हम जरूरतों को आने से पहले पैदा करें, ऐसी व्यवस्था चाहिए देश के अंदर, उसके लिए काम निरंतर चल रहा है।
यानी हम ये समझो सत्यव्रत जी कि आपको टक्कर देने के लिए यहाँ पर कोई नहीं है और मैदान में सिर्फ और सिर्फ आप ही हैं और जनता आप पर ही भरोसा जताएगी, आपका ये कहना? निश्चित रूप से मैं कह रहा हूँ, क्योंकि सिंबल पर यदि कांग्रेस आती तो मैदान में मानते हम जी। हिंदी लोग की कुछ व्यवस्था ठीक होती तो हम मानते हैं उसकी बात को कि मैदान में कोई और है और हम चुनाव के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। जब मैदान में कोई है ही नहीं तो संघर्ष किससे है? संघर्ष हमें आपस में या तो जजपा का है या भाजपा का है, तो मैदान में पहलवान है ही नहीं तो डर और पसीना किस चीज का? इसलिए यदि डर आना था तो इनको अपनी मजबूत स्थिति कर कांग्रेस को सिंबल पर चुनाव लड़कर ये दिखाना चाहिए था कि पहलवान आप है और मिट्टी लगाकर आपको हराएंगे, लेकिन उस अवस्था के लिए तैयारी नहीं हुआ। ये तो लंगोट फेरने वाली बात होगी कि लंगोट फेर के जा रहे क्योंकि मैदान में सामने कोई आई नहीं। ओंकार जी, साफ तौर पर कह दिया गया है कि ना तो आपकी तरफ से कोई घोषणाएं की गई, ना तो आपकी तरफ से संकल्प पत्र जारी किया गया। क्या कुछ लेकर इस बार आप पहुंच रहे हैं जनता के बीच? कैसे जनता आप पर भरोसा जताए? मैं आपके माध्यम से अपने भाई से पूछना चाहता हूं, आप 8 साल से सत्ता की कुर्सी पे चिपके बैठे हो, आप जरा अपना श्वेत पत्र तो जारी कर दीजिए। इन 8 सालों में आपने क्या किया, कितनी नौकरियां दी, कितने ठेके पे काम दिए, कितने घोटाले हुए, कितनी की जांच हुई, कितनों को सजा हुई? आप अंबाला छावनी में देख लीजिए, एक स्टेडियम पे 115 करोड़ रुपए लगाए जाते हैं और 66 करोड़ रुपए का घोटाला होता है। ये सारा कुछ जनता देख रही है, घोषणाएं कर रहे हैं मेरे भाई। अरे जो बदना सत्ता में बैठा है वो व्यक्ति घोषणाएं नहीं करता, वो व्यक्ति को जनता को सरकार करके लागू करके दिखाता है। आप पिछले 8 साल से बैठे हो, आज आप कह रहे हो कॉलोनियां रेगुलर करेंगे, 8 साल से आंखें मूंद करके बैठे हो। अब जब चुनाव आ गया तब आपको कॉलोनियों की याद आ गई, ये जनता सब देख रही है, समय आने दीजिए। 22 तारीख को आपको स्पष्ट हो जाएगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। देखिए ओंकार जी, आप जिस प्रकार की बातें कर रहे हैं उससे लगता है कि आप डिबेट के लिए आए हैं और डिबेट कर रहे हैं, लेकिन एक भी 48 स्थानों में से एक भी स्थान यदि इन लोगों को मिल जाए, और मैं कहता हूँ स्थान मिलना तो दूर है, वो तीसरे नंबर पर क्रॉस कर जाए, तो डिबेट में 22 तारीख को मैं चाहूंगा सुशील जी से जी। कि आप डिबेट पर आए और ओंकार जी को बुलाए। बिल्कुल। दूसरी बात मैं कह रहा था कि ये जो विकास के काम, इनकी पूर्ति कभी नहीं हो सकती और होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या, हमारे देश के लोगों की आवश्यकताएं और हमारे लोगों का जीवन स्तर और निरंतर आगे बढ़ रहा है, तो उसके अंदर निश्चित रूप से आपको काम देखना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, होता रहेगा। इसलिए काम के अंदर परिपूर्णता कभी न आई, न है और न होगी, क्योंकि ये सतत चलने वाले काम, जिसके लिए कोई आदमी कोई पार्टी ये कहती है कि हमने पूरा कर दिया। और आपकी जानकारी के लिए ओंकार जी, हमने पिछले 1 जून तक 10 लाख घरों में संपर्क करके अपनी 7-8 साल की केंद्र सरकार की और हरियाणा सरकार की उपलब्धियां, यदि आप किसी दिन उस पर आएंगे तो मैं आपको वो 8 साल का परिपूर्ण रूप से हम दिखाएंगे आपके हमने क्या किया। 8 साल पहले याद दिलाएंगे आप, 8 साल पहले क्या होता था क्या हो रहा, 8 साल पहले क्या था और आज क्या है, तो सारा अंतर दिखाएंगे। लेकिन वर्तमान में यदि आपके पास कोई जवाब है तो सृष्टि जी ने जो हमारा संकल्प पत्र आपको जारी किया है उसके अंदर यदि अव्यवहारिक कोई चीजें लगती है, यदि आपको लगता है कि यह अनावश्यक है, यदि यह लगता है कि केवल वोट के लिए है, तो एक भी चीज को आप बताइए ताकि ये अव्यवहारिक आपका वादा है। जवाब दीजिए ओंकार जी, क्या कहेंगे आप? मेरे भाई शास्त्री जी, आप मेरे को क्या दिखाओगे? आप श्वेत पत्र जारी कीजिए, खाने के लिए आप जनता को दिखाइए आपने क्या किया, बताने के लिए 8 साल की आपकी क्या कार गुजारी है, सिखाए हैं आप। सुनिए मेरी बात, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, जब आपने सत्ता संभाली थी हरियाणा सरकार के ऊपर, मेरी बात सुनिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला है, इतनी बड़ी पार्टी के बड़े, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मुझे बोलना दीजिए। जब आपने सत्ता संभाली थी प्रदेश पर 67,000 करोड़ का कर्ज था, आपने 2.5 लाख करोड़ का कर्ज बना दिया, मैंने कहा आपने जनता के रोजगार छीने,
जनता चाहती है कोरोना काल में कैसे ऑक्सीजन के लिए भटकना पड़ा, ये तो अगर समाज सेवी संस्थाएं मंदिर गुरुद्वारे न होते तो आप लोगों के सारे तो जनता मौत के ग्राफ में चली जाती। कहां कहां आपने क्या सुनिश्चित किया, क्या नहीं किया, ये चुनाव उसी का इम्तिहान है। नगर परिषद का चुनाव, स्थानीय चुनाव कैंडिडेट हो जाएंगे, या तो मेरे को बोलने दीजिए या इनको बोलने दीजिए। नहीं, बोलने के लिए तो आपके पास समय पूरा ही है। मैं बोलने दीजिए, हम बोलिए 48 के 48 आप जीत रहे तो कह दिए 48 जीत रहे, और यदि आप एक दो पक्की कह रहे हैं तो उनका नाम ले दीजिए कि वो हम जीत रहे हैं, हम वही तोड़ कर देंगे। आप अगर मेरी बारी आई हो तो मैं बोलूं? बिल्कुल, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए ओंकार जी। मेरे भाई शास्त्री जी, जरा मुंह पे ताला लगा के सुनना, आप 46 निकाय के चुनाव में किसी एक निकाय में बता दीजिए जहाँ पे भ्रष्टाचार नहीं है, किसी एक निकाय विभाग में बता दीजिए जहाँ काम की व्यवस्था पूरी है। ऑनलाइन व्यवस्था के नाम पर 2.5 महीने पोर्टल बन रहा है एनडीसी का और टैक्स का, जनता अपने नाम पे प्रॉपर्टी करवाने के लिए नगर परिषद में एक एक किलोमीटर की लाइन में खड़ी होती है। आपने प्रदेश में 40 लाख नई प्रॉपर्टी आईडी बनाई है, जिसमें जो 30 लाख प्रॉपर्टी आईडी वो है जो पुरानी थी, उनका नाम बदल कर आपने नई बना दिया, और 40 लाख प्रॉपर्टी आईडी इन सब में मैं गारंटी से कहता हूँ, हरेक प्रॉपर्टी आईडी में कुछ छोड़ दीजिए, हरेक प्रॉपर्टी आईडी में किसी में नाम गलत है, किसी में पिता का नाम गलत है, किसी में गज गलत है, किसी में स्थानीय निकाय का सिंबल गलत है, किसी में नगर का नाम गलत है, किसी में कॉलोनी का नाम गलत है। गलतियां हुई नहीं है क्या? आप उन बातों को लोग जो बातें आप बीच में क्यों बोलने लगे, क्या बीमारी है आपको? क्या प्रॉपर्टी आईडी के अंदर गलतियां ठीक नहीं होती? क्या क्या परिवार पहचान पत्र के अंदर गलतियां ठीक नहीं होती? अरे इस देश के अंदर तो यूनिवर्सिटी के अंदर, बोर्ड के अंदर, सीबी तहसील के अंदर भी ये लोग सिर्फ डिबेट स्टॉप करना जानते हैं, इनको इसी चीज का और प्रशिक्षण दिया जाता है। हमसे जो कोई व्यक्ति तक बोलो उसे बीच में बोलो। सुन लेते हैं ओंकार जी की बात, सुन लेते हैं फिर मैं आपको मौका दूंगी, ओंकार जी की बात सुन लेते हैं। ओंकार जी बात पूरी कर लीजिए। देखिए बहुत गलत बात है, अपने आप को शास्त्री जी बोलते हैं और दूसरे की बात में बोलते हैं। नहीं नहीं, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। आप मेरे को ये बता दीजिए, पिछले 2 महीने से टैक्स का पोर्टल क्यों बंद है, ये बता दीजिए। एक नगर परिषद में 2-2 पोर्टल काम कर रहे हैं, एक टैक्स का पोर्टल काम कर रहा है, एक एनडीसी का काम कर रहा है। एक पोर्टल के ऊपर पैसे जमा कराओ, दूसरे पोर्टल पे शो नहीं होते। ये अव्यवस्था सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के राज में है, पहले ऐसा कुछ नहीं था। आपके राज में श्रीमान जी बीजेपी ने नारे नारे निकाल विभाग में स्थायी कर्मचारी भर्ती कर रखे हैं, और स्थायी कर्मचारियों के नाम पर इन्होंने अपने कार्यकर्ताओं की फौज हरेक नगर परिषद में बिठा रखी है। मुझे तो कई बार ऐसा लगता है नगर परिषद नहीं, ये बीजेपी के कार्यालय बन चुके हैं। इन्होंने चूर डिक ये थ्योरी लगाकर अपने कार्यकर्ताओं को सीटों पर बिठा दिया। सीएम विंडो को ले लीजिए, सीएम विंडो में जितने भी बंदे हैं सारे के सारे बीजेपी के पदाधिकारी हैं। इनकी इनकी कोई भी काम कोई भी बात इनका सिरे चढ़ाओ तो मेरे भाई शास्त्री जी, नगर निकाय विभाग का कोई एक काम बता दीजिए जो आपने सुचारू रूप से ठीक किया हो। किसी भी एक काम की तुलना कीजिए, पुरानी सरकारें चाहे करप्ट थी, कांग्रेस करप्ट थी, लेकिन आपसे कम थी। ये मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूँ, आपने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए भ्रष्टाचार के। नगर विभाग में चले जाइए, काम करके दिखाइए। आप ये ना बोलिए मैं शास्त्री जी हूँ, आपका कोई काम बिना भी करने वाला, दलालों की लाइन लगी हुई है। नगर विकास विभाग में कोई भी काम मिल जाएगा आपको, किसी भी निकाय विभाग में चले जाइए। आप ओंकार जी, ओंकार जी आखिरी कमेंट, समय हमारे पास कम है जी। ओंकार जी आखिरी कमेंट मैं आपसे लेना चाहूंगी, समय हमारे पास कम है जी। ये नगर निकाय विभाग ये परीक्षा का काम है, ये बताएगा कि बीजेपी ने कितने काम किए। इनेलो जमीन से जुड़ी हुई पार्टी है, जितने भी सारे इन्वेस्टर हरियाणा में हुए, चाहे वो पेंशन लगाने का काम हो, चाहे वो विवाह का काम हो, शगुन योजना हो, ये सारी योजनाएं नैलो ने शुरू करी है, और ये सरकार उन योजनाओं पर धीरे धीरे रोक लगाने का काम कर रही है। ठीक है,
सतप्रत शास्त्री जी, वेद प्रकाश विद्रोही जी, ओंकार सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा करने के लिए। तो निकाय चुनाव के दंगल पर हम बातचीत कर रहे थे, सभी प्रत्याशियों ने अपनी ताकत झोंक दी है और जिस तरीके से बीजेपी के द्वारा यहाँ पर संकल्प पत्र जारी किया गया है, 27 वादे किए गए हैं कि अगर यहाँ पर जनता भरोसा जताती है तो ये वादे पूरे किए जाएंगे और यहाँ पर विकास जरूर होगा। तो सभी प्रत्याशियों ने ताकत झोंकी है, जनता का भरोसा जीतने का प्रयास किया है, लेकिन आने वाले समय में अब जनता को ही तय करना है और तस्वीर 22 तारीख को साफ हो जाएगी। फिलहाल हमारी खास पेशकश में बस इतना ही। नमस्कार।